गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सेलेजिनेला का अध्ययन करेंगे। सेलेजिनेला जो है कि टेरिडोफाइटा का एक सदस्य है, तो सबसे पहले हम इसकी वर्गीकृत स्थिति का अध्ययन करेंगे कि इसे अगर किसी स्पेसिफिक डिवीज़न, क्लास या ऑर्डर में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किन लक्षणों के आधार पर उसे उस क्लास या डिवीज़न में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखें कि जो सेलेजिनेला है उसका जो पादप शरीर है या बीजाणुद्भिद पादप जो होता है वो जड़, तना व पत्ती यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में विभक्त होता है। स्टेम का अगर हम अध्ययन करें तो स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर स्ट्रैंड या संवहन तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। इस संवहन तंत्र के अंदर वाहिका यानी कि जाइलम के जो सदस्य हैं उसमें वाहिका और फ्लोएम के जो सदस्य हैं उसमें सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ये दोनों जो लक्षण हैं यानी कि वाहिकाओं की अनुपस्थिति और कंपेनियन सेल की अनुपस्थिति, ये दोनों लक्षण टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा इसका जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद है वो अपने गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में देखें जो कि इनका जस्ट प्रीवियस मेंबर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर होता है या स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगता है, ये इससे अलग नहीं होता है। तो ये तीन कैरेक्टर जो थे वो उसके आधार पर इसे टेरिडोफाइटा में रखा गया है। अब देखते हैं कि इसे डिवीज़न लाइकोफाइटा में क्यों रखा गया है। तो पहला जो लक्षण है वो है माइक्रोफिलस लीफ यानी कि लघु पर्णी पत्तियां उपस्थित, छोटी पत्तियों को माइक्रोफिलस लीफ कहा जाता है। इसके अलावा जो पत्ती है उसके अंदर एक मध्य शिरा उपस्थित है यानी कि मिड रिब उपस्थित है और वो भी अशाखित या अनब्रांच्ड है। बीजाणुधानी या स्पोरिंजिया जो होते हैं वो स्पोरोफिल यानी कि जिन पत्तियों के कक्ष में बीजाणुधानी लगी रहती है उन पत्तियों को स्पोरोफिल कहा जाता है और ये स्पोरोफिल आपस में संयुक्त होकर या बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर एक संरचना बनाती है जिसे कि कोन या स्ट्रोबलस कहा जाता है। तो इन लक्षणों के आधार पर इसे डिवीज़न लाइकोफाइटा में रखा गया है। इसकी जो क्लास है वो है लिग्युलॉक्सिडा। लिग्युलॉक्सिडा जैसा कि नाम से लग रहा है लिग्युल यानी कि ऐसी पत्तियां जिसमें कि लिग्युल उपस्थित है उस उन जो पौधे हैं उन्हें लिग्युलॉक्सिडा में रखा गया है। तो यहाँ पर लिग्युल लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, साथ ही इसमें जो स्पोर बन रहे हैं वो हेटरोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणु, माइक्रो और मेगा दो तरह के बीजाणु बन रहे हैं इसीलिए ये हेटरोस्पोरस है। तो ये दो जो लक्षण हैं लिग्युल की उपस्थिति और विषम बीजाणुता, इन दोनों लक्षणों के आधार पर इसे क्लास लिग्युलॉक्सिडा में रखा गया है। अब क्लास को ऑर्डर में विभक्त किया गया है, ऑर्डर है सेलेजिनेलेस। सेलेजिनेलेस का जो कैरेक्टर है वो ये है, स्टेम यानी कि जो सेलेजिनेला का जो स्टेम है वो डॉर्सी वेंट्रल है यानी कि इसमें अभ्यक्ष और अपाक्ष या डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइडें स्पष्ट होती हैं। साथ ही इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। रूट जो होती हैं या जड़ें होती हैं वो राइजोफोर के अंतिम भाग से उत्पन्न होती हैं। तो ये जो कैरेक्टर हैं वो इसे सेल ऑर्डर सेलेजिनेलेस के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। फैमिली है सेलेजिनेलेसी। जो सेलेजिनेलेसी फैमिली है उसका कैरेक्टर है गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है या हासित होता है यानी कि बिल्कुल इतना छोटा होता है कि वो स्पोर के अंदर ही डेवलप होता है। एंडोस्पोरिक यानी कि स्पोर के अंदर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है ट्रेविक्यूली। ट्रेविक्यूली जो होती है जब हम स्टेम का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वहाँ पे जो स्टेम की एंडोडर्मिस होती है वो
पतली और लंबी होकर ट्रेविक्यूली में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टेम के अंदर वायु अवकाश बन जाते हैं। तो ये हो गया ट्रेविक्यूली, जो कि रूपांतरित एंडोडर्मिस होती है। साथ ही अगर रंभ या स्टील की बात करें तो वो प्रोटोस्टील होता है। तो इन लक्षणों के आधार पर इसे फैमिली सेलेजिनेलेसी में रखा गया है। अब जो जीनस है सेलेजिनेला, ये इस सेलेजिनेलेस का एकमात्र जीनस है, यानी कि और कोई जीवित सदस्य इसमें और कोई जीवित सदस्य नहीं है। इसलिए उपरोक्त सभी कैरेक्टर जो हैं वो इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इसमें एक दो लक्षण हैं जो रह गए थे, जैसे कि जो ऑर्डर है इसी के अंदर एक लक्षण और है, यानी कि डाइमॉर्फिक द्विरूपी पत्तियाँ। द्विरूपी पत्तियों का मतलब है कि पत्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक बड़ी पत्ती और एक छोटी पत्ती। साथ ही जो इसके स्पर्मेटोजॉइट या पुंगड़ों हैं वो बाईसीलिएट या द्विकशाविक पुंगड़ों हैं। तो ये थी सेलेजिनेला की वर्गीकृत स्थिति। चलिए अब आगे हम देखते हैं सेलेजिनेला जो है इसकी हैबिट एवं हैबिटेट, यानी कि प्रकृति एवं आवास। इसकी प्रकृति और आवास में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसे सामान्य भाषा में सेलेजिनेला जो प्लांट है उसे लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहा जाता है। इसकी वर्ल्ड में लगभग 700 के आसपास जातियाँ ज्ञात हैं। इसके अलावा इंडिया में इसकी 70 स्पीसीज जो हैं उनकी जानकारी मिल चुकी है। अब अगर इसकी हैबिट देखें तो सबसे पहले देखते हैं प्रोस्ट्रेट, यानी कि ये जो होता है वो ज़मीन से लगे हुए यानी कि शयान कंडीशन में ग्रो करने वाले पादप होते हैं। इसकी जाति है सेलेजिनेला क्रेसियाना, मतलब ये जो जाति है वो शयान कंडीशन में ग्रो करती है। इरेक्ट जातियाँ हैं सेलेजिनेला इरिथ्रोपस एवं सेलेजिनेला सेलेजिनोइटिस। इरेक्ट का मतलब ऊर्ध्व जातियाँ। तो अभी हमने ये शयान और ये ऊर्ध्व जातियों का अध्ययन किया। ये देखिए, ये इस चित्र में जो ये वाली जो स्पीसीज है वो, यानी कि ये वाली जो स्पीसीज है वो शयान कंडीशन में ग्रो कर रही है, जबकि जो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ऊर्ध्व कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन है वो है सेमी इरेक्ट, यानी कि अर्ध ऊर्ध्व कंडीशन। इसमें जो जाति है उसका नाम है सेलेजिनेला ट्रैकीफिल्ला। कुछ जातियाँ आरोही, यानी कि ऐसी जातियाँ जो दूसरे पौधों के ऊपर बेल की तरह ग्रो करती हैं, क्लाइंबर जातियाँ, उनके नाम है सेलेजिनेला विल्डेनोई और साथ ही सेलेजिनेला एलिगेंस। एकमात्र जाति है जिसका नाम है सेलेजिनेला ओरेगाना, ये एपिफाइट या अधिपादप के रूप में पाई जाती है। अधिपादप का मतलब है कि ये जाति पूरी तरह से दूसरे पौधों के शाखाओं पर ग्रो करती है। आइए अब हम इसका, यानी कि सेलेजिनेला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो देखते हैं, कि जो सेलेजिनेला जो पादप है उसमें रिसरेक्शन या पुनर्जीवन की क्षमता होती है। तो ये पुनर्जीवन की क्षमता किस तरह से होती है, इसके कुछ जातियों के नाम सबसे पहले हम देख रहे हैं। सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सेलेजिनेला लेपिडोफाइटा, सेलेजिनेला वाइटियाई, सेलेजिनेला रिपांडा और सेलेजिनेला पिलीफेरा। ये जो जातियाँ हैं मरुद्भिदी जगह पर ग्रो करती हैं, यानी कि ड्राई कंडीशन में ये ग्रो करती हैं।
और चूंकि ड्राई कंडीशन में जैसे कि रेगिस्तान वगैरह है या राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये जो पादप हैं ये बॉल की तरह संघनित हो जाते हैं और इनका जो रूट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, केवल तना और जो पत्तियाँ होती हैं वो संकुचित होकर ड्राई होकर एक बॉल नुमा संरचना में बदल जाती है। जैसे ही बारिश होती है पौधे को नमी प्राप्त होती है, ये फिर से फैल जाता है और इसके जो तने हैं उससे जड़ों का निर्माण हो जाता है और ये फिर से हरे पादप में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैरेक्टर या क्षमता के कारण इसे पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली जातियों के नाम या सूखे प्रदेशों पे पाई जाने वाली सेलेजिनेला की जातियों के नाम बताइए, तो उसमें आप इनमें से किसी भी जाति का नाम लिख सकते हैं। कुछ जातियाँ जो हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है इनके नाम हैं सेलेजिनेला क्राइसोकॉलस एवं सेलेजिनेला क्राइसोक्राइजोस। इसके अलावा साउथ या दक्षिणी क्षेत्रों में जो जाति पाई जाती है उनके नाम हैं सेलेजिनेला मोनोस्पोरा एवं सेलेजिनेला सिलियरिस। हम सेलेजिनेला की सभी जातियों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक या दो दो जातियों के नाम ही हम अध्ययन करेंगे। अब देखें साइज के आधार पर सेलेजिनेला स्पाइनुलोसा जो जाति है वो सबसे छोटी जाति होती है, यानी कि सबसे छोटा सेलेजिनेला का जो प्लांट है वो सेलेजिनेला स्पाइनुलोसा में पाया जाता है, जबकि सेलेजिनेला सेलेजिनोइडिस जो जाति है वो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है। इसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करने वाली जो जाति है वो 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी है, आप इसको स्केल से अंदाज़ा लगाएं कि 5 से 10 सेंटीमीटर कितना होता है, तो उसके आधार पर अगर स्मॉलेस्ट जाति है तो वो कितनी होगी, वो 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो सकती है या 2 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। सेलेजिनेला विल्डेनोई जो जाति है वो कुछ मीटर तक लंबी हो सकती है। अब कुछ शोभाकारी या ऑर्नामेंटल जो पादप हैं जो सेलेजिनेला के पादप हैं वो हैं सेलेजिनेला क्राउसियाना, सेलेजिनेला पिक्टा, सेलेजिनेला रेसिलिना और सेलेजिनेला पिग्मिया। ये जो पौधे हैं ये सुंदरता के कारण इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ बड़े ही सुंदर से कलर की होती है, इस वजह से इन्हें उद्यानों में या बाग बगीचों में लगाया जाता है। अब हम देखते हैं सेलेजिनेला के बाह्य लक्षण या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो पादप शरीर है वो स्टेम लीफ और रूट और रूट के साथ साथ राइजोफोर उपस्थित है, यानी कि 3 भागों में विभक्त है। स्टेम के बारे में अगर देखें तो ये सॉफ्ट होता है, यानी कि बहुत ही पतला लचीला कोमल होता है, हर्बेशियस होता है, शाखीय होता है, साथ ही इसमें शाखाएं यानी कि ब्रांचेस उपस्थित होती हैं। तना जो होता है वो सॉलिड होता है। तने की जो कंडीशन है वो प्रोस्ट्रेट यानी कि शयान, इरेक्ट यानी कि ऊर्ध्व, सब इरेक्ट यानी कि सेमी अर्ध ऊर्ध्व एवं क्लाइंबर या आरोही हो सकती है। अब इस तने पर अगर हम पत्तियों की कंडीशन देखें तो पत्तियों की कंडीशन के आधार पर ये जो जीनस सेलेजिनेला है इसे 2 सब जीनस में विभक्त किया गया है। पहला जीनस है जिसका नाम है होमियोफिल्लम। होमियोफिल्लम का मतलब है कि एक जैसी पत्तियों वाला, एक जैसी पत्तियों का मतलब स्टेम के ऊपर जितनी पत्तियां हैं वो सभी समान आकार की हैं। इनकी कुछ जातियों के नाम हैं सेलेजिनेला
रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला पिग्मिया, सिलेजिनेला ऑरियाना, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस। ये सभी जो जातियाँ होती हैं ये सभी इरेक्ट यानी कि ऊर्ध्व होती हैं। साथ ही इसमें द्विभाजी शाखन यानी कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है और जो तना है इसके ऊपर पत्तियाँ स्पाइरली या चक्र क्रम में लगी रहती हैं। अब इसका जो दूसरा जीनस है यानी कि सब जीनस है हेट्रोफिलम, इसमें कुछ जातियों के नाम है सिलेजिनेला क्रॉसियाना, सिलेजिनेला लैपिडोफिला, सिलेजिनेला क्राइसोकॉलस। ये सभी जो जातियाँ होती हैं ये प्रोस्ट्रेट या शयान जातियाँ होती हैं और इसके अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। साथ ही जो पत्तियाँ होती हैं वो डाइमॉर्फिक यानी कि द्विरूपी पत्तियाँ होती हैं। ये जो डायग्राम है इसमें हम देखें तो पत्तियों की जो निचली सतह है यानी कि जो सतह है भूमि से लगी रहती है वहाँ पर छोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं और साथ ही जो सतह ऊपर की तरफ होती है उस पर बड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं और पत्तियों का जो क्रम है वो इसी तरह से लगा रहता है, यानी कि ऊपर अगर दो बड़ी पत्तियाँ हैं तो नीचे की तरफ दो छोटी पत्तियाँ होंगी। पत्तियों की अगर संरचना देखें तो पत्तियाँ इस तरह की होती हैं, इनका अपेक्स जो होता है वो क्यूट होता है और साथ ही इसमें एक अशाखित मध्य शिरा पाई जाती है और जो पत्तियों का बेस पार्ट बेस यानी कि आधारी भाग होता है वहाँ पे एक जीविकाकार संरचना पाई जाती है जिसे कि लिग्यूल कहा जाता है। लिग्यूल की अगर आंतरिक संरचना हम देखें तो ये एक परतीय संरचना होती है और बहुकोशिकीय होती है जिसके आधारीय भाग को ग्लॉसोपोडियम कहा जाता है, बीच का जो भाग होता है इसे बॉडी कहा जाता है और ऊपर का जो पार्ट है इसे अपेक्स कहा जाता है और ये पत्ती की आंतरिक सतह पर आधारीय भाग में लगी रहती है। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये बताया कि पत्तियों में जो ग्लॉसोपोडियम या लिग्यूल की उपस्थिति है उसका जो कार्य है वो ये है कि या तो ये पानी के अवशोषण में सहायता करती हैं या फिर ये जो पत्तियाँ ये जो लिग्यूल है ये कुछ ऐसा तरल पदार्थ स्रावित करती हैं जिसकी वजह से पत्ती और तने की सतह जो होती है उस पर नमी बरकरार रहती है। अब देखते हैं कि जो लिग्यूल है उसका आकार भी कुछ जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि सिलेजिनेला क्राइसोकॉलस में ये जीवाकार होता है जबकि सिलेजिनेला मार्टेंसियल में वेज शेप्ड होता है और सिलेजिनेला कॉलेसेंस में ये लोब्ड होता है यानी कि इसमें अलग अलग पालियाँ बनी रहती हैं जबकि सिलेजिनेला कॉपी डेटा में ये विंग्ड यानी कि पंखवत होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर सिलेजिनेला के अंदर जो तीसरा पार्ट है वो है इसका रूट एवं राइजोफोर। तो सिलेजिनेला में जो प्राइमरी रूट होती है जो सबसे पहले तने के आधारी भाग से उत्पन्न होती है वो जल्दी ही नष्ट हो जाती है। इसके बाद जो भी जड़ें उत्पन्न होती हैं वो सभी अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तो जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनका मुख्य लक्षण ये होता है कि ये तने के निचले भाग के अलावा पौधे के किसी भी भाग से उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह की जड़ें एडवेंटिशियस या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट या कोमल होती हैं, साथ ही इसमें द्विभाजी शाखन पाया जाता है। अलग अलग जातियों में जड़ों के उत्पन्न होने की जो स्थिति है वो भी अलग अलग है, जैसे कि सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस में ये स्टेम के आधारीय भाग से उत्पन्न हो रही है जबकि सिलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर ये जो शाखाएं जहाँ से बन रही हैं वहाँ से बनती हैं या उत्पन्न होती हैं। अधिकतर पादपों में ये पौधे के निचले भाग में राइजोफोर से जड़ें उत्पन्न होती हैं। राइजोफोर जो होती हैं वो पत्तियों के कक्ष में उत्पन्न होने वाली संरचना है।
अब देखिए कि जो राइजोफोर होता है उसकी प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिकों के दो समूह हैं और उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि पहला जो मत है जो गिब्सन एवं अपहॉफ ने 1920 में दिया, उन्होंने कहा कि जो राइजोफोर है वो ऐसी जड़ है जिसमें कि रूट कैप यानी कि मूल को नहीं पाया जाता है, यानी कि ये मूल गोप रहित जड़ है। उन्होंने ये माना कि ये जड़ ही है लेकिन इसके अंदर मूल गोप या रूट कैप का अभाव है। क्यों उन्होंने क्यों माना कि ये जड़ है? क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती होती है। जो जड़ होती है, जड़ का मुख्य कैरेक्टर यही होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरह से आकर्षित होकर पृथ्वी के अंदर की तरफ ग्रो करती है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये जड़ ही है लेकिन वो बिना रूट कैप के है। दूसरी चीज़ उन्होंने रूट इसे क्यों माना, वो इसलिए कि इसके अंदर किसी प्रकार की पर्व या पर्व संधि नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये जड़ है। दूसरा जो समूह है वो है ब्रुकमैन, वर्सडेल एवं ट्रॉल का। इन्होंने कहा कि जो राइजोफोर है वो ऐसी शाखाएं हैं जिन पर पत्तियां नहीं उत्पन्न हुई है। उन्होंने इसे शाखा माना, उसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण ये है कि इसकी राइजोफोर की जो उत्पत्ति है वो एक्सोजीनस है, यानी कि ये तने के एंगल मेरिस्टेम से उत्पन्न हो रही है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये चूँकि तने से उत्पन्न हो रही है इसका मतलब ये शाखा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई रूट कैप है, साथ ही कोई रूट हेयर भी नहीं है। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी जो भी राइजोफोर संरचना है वो जड़ की तरह काम करती है और पौधों को जमीन से चिपका के रखना और साथ ही पौधों जमीन से जल व न्यूट्रिएंट्स का जो अवशोषण है उसके कार्य आती है। ये देखिए, ये जो सिलेजिनेला पादप है उसका एक चित्र है जिसमें आपको माइक्रोफिलस या लघुपर्णी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तने में द्विभाजी शाखन दिखाई दे रहा है, साथ ही पत्तियों के अक्ष पर उत्पन्न होती हुई ये राइजोफोर भी दिखाई दे रही हैं। राइजोफोर से जड़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये था एक सिलेजिनेला का ऐसी स्पीसीज का डायग्राम जो कि प्रोस्टेट ग्रो करती है, और ये जो डायग्राम है वो ऐसे स्पीसीज का है जो कि ऊर्ध्व या इरेक्ट तरीके से ग्रो करती है। इस लेक्चर में इतना ही, यानी कि हम सिलेजिनेला के केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर का अध्ययन किया है। आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम सिलेजिनेला की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे।